मैं लिविंग रिलेशन में रह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अच्छा, 7 साल हो गए मुझे रहते हुए। इधर भी है वो? हाँ, अभी उन्होंने कम्पीट किया था, दीपक ने। अच्छा, और अच्छा। अभी प्लान हमारा चल रहा है कि इस साल के एंड में, नहीं तो नेक्स्ट ईयर। अच्छा अच्छा। हमारा भी जिम है, हम दोनों साथ में ही रन करते हैं। अच्छा, वो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। पार्टनर नहीं, वो अभी कम्पीट कर रहे थे ना अभी। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर पहले उनसे ही मिलेंगे। हाँ, साथ में कॉफी जरूर पियेंगे। तो अभी ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, मतलब शादी और थोड़ा पहले भी हो जाती, बट बीच में कुछ अप एंड डाउन ऐसे चलते रहे। जैसे सर ने बताया कि 10-15 गर्लफ्रेंड्स थी, तो ऐसा कुछ सीन हो गया था। अच्छा, तो इसलिए अभी मैंने थोड़ा आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मेरा दुबई जाना हो गया, तो इसलिए 2 साल और डिले हो गई। तो मतलब कि अभी है कि यार, हाँ एक ये है वो है, ठीक है, एक और 11 होने वाले बाप ना। अच्छा, कुछ टाइम 11 है ऑलरेडी, बट ये कि थोड़ा एक अच्छा खिलाड़ी है और पैदा करना अभी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है बच्चों से, मुझे ऐसा लगता है मैं खुद बच्चा हूँ। एक्चुअली पता है क्या, जब शादी होगी ना तब उम्मीद भी होगी कि यार बच्चा हो, ठीक है। सर मेरे घर में बहुत है, भाई बहन, मैं मासी भी बन गई हूँ, मैं बुआ बुआ भी बन गई हूँ। एक चीज बताता हूँ आपको कि आप, मैंने शादी नहीं की, ठीक है, और मैं शादी के चक्कर में नहीं। तो फिर क्यों पूछे हमसे आप? अरे मैं एक्चुअली क्या कि बंदे पता क्या बोलते हैं, खुद शादी करेगा ना, खुद का बच्चा अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, चाहे वो भाई का क्यों ना हो। मुझे मैं कह रहा यार ये क्या चक्कर है, करे बच्चे खुद के पैदा करने चाहिए। तो मैं मेरे नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैंने आप पे डाल मुझे मेरे सारे बच्चे, इवन मतलब ऐसे कहिए तो मेरे पास तो मेरे 400-500 बच्चे हैं। मैं 400-500 बच्चों की माँ हूँ, क्या गुरु माँ कह सकते हैं आप मुझे। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे चाहे बड़े हो छोटे हो, बच्चे मेरे सारे बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं, और बड़ा प्राउड भी है मुझे अपने बच्चों पे। तो ऐसा नहीं है कि खुद के बच्चे होना जरूरी है, जिनके बच्चे नहीं होते वो भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनको उतना ही प्यार देते हैं। कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बच्चे अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, इवन मैं खुद अभी बहुत जल्दी एक डॉटर को मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ, मेरा प्लान चल रहा है, जैसे वो थोड़ा सक्सेस होता है। एक्चुअली मैं इसलिए रुकी हूँ, मेरा कुछ ब्रांड का काम चल रहा है दुबई में, और मेरे एक आध मैंने प्रोशो लाइनअप किए हैं, वो जैसे ही कम्प्लीट होता है और मेरे ब्रांड का रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, आफ्टर दैट मैं एक डॉटर जो है बहुत जल्दी अडॉप्ट करने वाली हूँ। ठीक है, आप हमें अपनी शादी में ज़रूर बुलाना, ठीक है, हम आएंगे ज़रूर, ठीक है, कहीं ना कहीं हुए तो। आपने तो शादी कर ली, आपने आपको काम क्या बोले, कब बुला, आप कहाँ बुलाएंगे? एनिवर्सरी में बुला लेंगे क्या? हाँ, ये भी तो चल ही रहा ना आजकल। आप बुलाएंगे जब हमारी 25वीं साल की रहोगी तब बुलाएंगे आपको। 25वीं? अभी कितना हो गया? अभी तो 20 साल हुए ना। 5 साल बाद बुलाओगे? 5 साल बाद, काफ़ी यार लंबा टाइम डाल देना। सेलिब्रेट करेंगे। हाँ सही कह रहे यार, बिल्कुल जिंदा रहोगे यार, बहुत लाखों लोग। मेरी दाढ़ी सफेद हो जाएगी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। आप पहचानने पाओगे? हाँ, मेरे को, मैं खुद को नहीं। कोई नहीं, हम अभी फोटो ले लेंगे ना। हाँ, कि उसमें कि यार ये बंदा है। एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मैं करता रहता हूँ रियलिटी शोज वगैरह वगैरह, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी होती रहती है। आप बोलो कि यार आपको या तो बहुत खुशी होगी या बहुत दुख होगा कि इस बंदे साथ वीडियो क्यों बनाया, ठीक है ना, क्योंकि ना लोग अपलोड करें कि मैं बताती हूँ, आपका वीडियो रन जरूर करेगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है कि हमारे पास इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत मैसेज आते हैं कि मैम आपका बाइसेस बहुत बड़ा है, या ज्योति मैम का बाइसेस बहुत बड़ा है, मैम आप में और ज्योति मैम में कोई पंजा लड़ाएगा तो कौन जीतेगा। मैं उनको बोलती हूँ यार वो मेरी दोस्त है, मैं हार जाऊंगी, ये एक्टिविटी में ये चलती रहती है। तो मैं उनको जवाब में यही देती हूँ, मैंने कहा यार वो मेरी दोस्त है, मैं उससे हार भी जाऊंगी तो क्या हो गया, मुझे तो कोई दुख नहीं होगा। अभी एक काम होगा, आप हार भी जाएंगे तो कुछ नहीं, मुझे कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, मेरे वीडियोस हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पंजा लड़ाने से वो जीत जाएगी मैं हार जाऊंगी, या मैं जीत जाऊंगी वो हार जाएगी। तो लोगों का पता नहीं क्या मिथ बना रखी है लोगों ने कि उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं। मतलब कि एक दूसरे को आप चाहते हैं, तारीफ करते हैं, अच्छा बोलते हैं एक दूसरे के बारे में। मैंने पहली बार ऐसा, मैंने ज्योति को फर्स्ट मैसेज ही यही किया था, मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया था कि मैं चाहता हूँ आप और ज्योति जो है आपस में पंजा लड़ाएं और कौन जीतता है वो। मैंने स्पेशली फिर ज्योति को मैसेज किया कि मेरे पास कुछ ऐसे बेवकूफ़ों के मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ अगर ऐसा कोई मैसेज आए कि ये मैं बोल रही हूँ कि आप हार जाओगे मेरे से पंजा लड़ाओगे, मैंने कहा प्लीज़ रिएक्ट मत करना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ किसी को, मेरा पहला मैसेज यही था ज्योति को। हम लोग ना पता क्या, अगर एक ये रिएक्ट ऐसे करते हैं जो अनमैच्योर होते हैं, मैच्योर बंदा कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वो मैच्योर बंदा रिएक्ट कर रहा ना तो फिर वो मैच्योर नहीं है मेरी नज़र में, तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग, हमारा काम है अगर हमें पता लगेगा तो हम नंदिता को सीधा फोन मारेंगे कि भाई नंदिता ऐसा बोला था क्या, हम नहीं भी जानते हैं तब भी बोलेंगे कि भाई बोला था, पूछेंगे। अपन ये मेरा ना चैनल पे डालता रहता हूँ इस तरह की एक्टिविटी, नॉट कॉम्पिटिटर नहीं होंगे आप, ठीक है, लेकिन मेरे को ना एज ए फिटनेस की मतलब प्रॉपरली वो करना तो करेंगे अपन, ठीक है। तो मैम जी, हाँ अभी तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है,
तो आपके बच्चे पंजे लड़वाएंगे हमारा, कुछ नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं सर, मैं हार जाऊंगी। नहीं नहीं, वो मतलब कि वैसे नहीं बोला मैं, दूसरे की तरफ से नहीं बोलता। लेकिन जो ना, एक मेरे को थोड़ा सा जर्नी और करनी है, मतलब कि ऐसा, ठीक है, आप आराम से किसी दिन आइएगा। हाँ मैं आराम से करेंगे, आऊंगा। और मेरा ये कैमरा मैन तो मैंने यहाँ से पकड़ दिया, आपने बोला 5 मिनट ना, मैं अपना बूथ छोड़ गया। चलो मैं 5 मिनट, मैंने फिर इसके पास आ गई, सॉरी। फिर नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी आप करते रहो। अभी क्या बोलते हैं मैम, हाँ आप वहाँ पे बिजी हैं, अभी कब फ्री होंगे आप? अभी अभी कोई टाइम नहीं है, अभी 7 बज जाएंगे शायद, 7 बजे तक फ्री होंगे ना, तो शायद अगर आप यहाँ रहे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ मैं अगर यहाँ पे रहा तो मैं आपको कॉल करूँगा। और आपने मेरे को 5 मिनट की जगह ना 30 या 35 मिनट मेरे को दे दिए, तो कोई बात नहीं। आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम ऐसा इशू तो नहीं ना। मैं बस इसके लिए आई थी कि मैं जल्दी से कुछ इनको करवा दूँ। अच्छा, अभी आप दिल्ली कब तक हैं? मैं दिल्ली हूँ अभी 10 or 12 days, क्योंकि कल मेरा मैसेज में कुछ काम है। हाँ, और उसके बाद अगर मेरा कल पासपोर्ट सबमिट हो गया तो 1 week में वापस आएगा, तब तक होना है। मतलब कि अभी 10 दिन हैं आपके पास? हाँ, अभी 10 दिन 10 दिन में फिर अपन मिलते हैं ना। पक्का। तो थैंक यू सो मच, आप मिले और बहुत ही आपकी एंट्री हुई। हाँ मैंने बहुत धक्के खाए हैं उसके लिए, ठीक है ना। और मैं इन कामों में रहता हूँ वैसे, इस तरह का मैंने चीज़ें रोडीज में देखी थी, ठीक है, जो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है ना MTV में, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा आती है। मैम को कंटिन्यू करिए। मैम हाँ वो तो मैम कह रही थी, वो मैम तो चले गए, ये दोबारा चले आएगा अभी दोबारा। अच्छा अच्छा चल ठीक है, अभी कट कर दे एक बार।